देखो अपने राइडिंग गियर्स भी रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे ये मेरा जैकेट, यहाँ पे ये मिट्टू का जैकेट। अभी आपको मिलते हैं गोप्रो के अंदर। रेडी एकदम। अच्छे खासे दर्शन हो गए हमारे, अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है। यहाँ पे आ चुका है अभी हमारा वड़ा पाव निश्चय भाई का। हेलो जी, दिस इज वजराव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद वजराव। इसी के साथ हो गई है नए दिन की, नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज बहुत ही बढ़िया दिन है, आज है संडे और आज जा रहे हैं हम लोग अंबाजी। और अंबाजी भी हम लोग राइड करके जा रहे हैं, 5 से 6 राइडर है हम और सारे लोग अपनी बाइक से जाएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। इसी के साथ आप सबको पूछते हैं केम छो, मजामा हूँ पर एकदम मजामा। तो कल तक सैटरडे और लेट नाइट तक जगे थे तो नींद तो प्रॉपर पूरी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी राइड होती है तो एक्साइटमेंट कुछ और लेवल का होता है। जब जैकेट निकाल के रखने होते हैं, शूज़ तैयार करने होते हैं, बाइक रेडी करके रखनी होती है, बहुत मज़ा आता है। तो सारे लोग अभी उठ चुके हैं, सुबह के बज चुके हैं 5 और जल्दी से होते हैं रेडी। 6 बजे अपने को निकलने का है तो फटाफट रेडी होकर निकलते हैं अंबाजी के लिए। रिसेंटली अभी शरद पूर्णिमा भी निकली है और नवरात्रि भी निकली है, तो दर्शन करने के लिए सारे लोग एग्री कर रहे थे कि कहीं पे भी राइड करें और उस बहाने कुछ पर्पस भी पूरा हो। तो हमारा बस मन था बहुत टाइम से कि अंबाजी चले। अभी फटाफट होते हैं रेडी, सारे लोगों को फ़ोन करके उठा दिया है और निकलते हैं अंबाजी के लिए। ये देखो अपने राइडिंग गियर्स भी रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे ये मेरा जैकेट, यहाँ पे ये मिट्टू का जैकेट, तो दोनों मस्त रेडी है। अभी आपको मिलते हैं गोप्रो के अंदर। रेडी एकदम। तो जी बैठ चुके हैं बाइक पे, बाइक कर दिए कोर्स स्टार्ट। फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है इसमें, तो फ्यूल डलवाना है। अभी जल्दी से चलते हैं, फ्यूल डलवाते पहले। और बाकी सारे राइडर्स भी आ चुके हैं जहाँ पे हमने मीटअप पॉइंट रखा था वहाँ पे, तो अभी फटाफट से पहुँचते हैं वहाँ पे। जय ओंकारेश्वर महादेव दादा। निकलते हैं अपनी सोसाइटी से सबसे पहले फ्यूल पंप के लिए। आ चुके हैं अपने इडर के मेन रोड पे, और ये है अपना इडर का मेन रोड। तिरंगा सर्कल पे हमने रखा था मीटअप पॉइंट। देखते हैं अभी कौन कौन आ गया है, क्योंकि एक बंदे का फ़ोन तो आ गया कि मैं पहुंच गया हूं, तुषार का। बाकी सारे बंदे पता नहीं, अब दूसरा बंदा भी पहुँच चुका है, 2 बंदे मतलब आ चुके हैं। तो अभी पहले सबको करते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और वहाँ पे तीसरा भी आ चुका है। गुड मॉर्निंग। देखो जी अभी 3 राइडर आ चुके हैं हम, पहले 4 थे, 1 गए अभी किसी काम से, आ रहे हैं वापस। अभी चलते हैं अपने थोड़ा आगे की साइड, वहाँ कुछ चाय नाश्ता वाय नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे। अभी 1 राइडर और आ चुके हैं, देखते हैं अभी इनका क्या सीन है। गुड मॉर्निंग। ये अलग ही लेवल की फीलिंग होती है जब सारे राइडर्स निकल जाते हैं राइड पे, इतना मज़ा गाड़ी में कभी नहीं आता। मतलब गाड़ी का कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, लेकिन हर चीज़ का एक अपना अपना फील है। हम राइडर होते हुए हमें बाइक चलाने का ज़्यादा मज़ा आता था, ऐसा होता है कि बाइक से ही चले कहीं ना कहीं, मतलब कुछ भी ऐसा एक्सप्लोर करना है या कहीं पे भी विजिट करना है। वैसे कार से भी हमने बहुत सारी ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ की है, लेकिन बाइक में रिस्पांस अच्छा रहता है हमेशा। इस बार मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि 5 राइडर आए, लेकिन मोस्टली 15-20 राइडर होते हैं। आप पिछले की बहुत सारी रील्स वगैरह देखना, बहुत सारे राइडर्स कनेक्ट करते हैं, मज़ा आता है जब ऐसी राइड पर निकल जाते हैं। अभी जैसे ही ये रास्ता ख़त्म होगा ना, लेफ़्ट लेना पड़ेगा हमें, और लेफ़्ट लेते ही एक अलग ही फीलिंग आएगी। उसमें पहाड़ सामने दिखता है और जो व्यू होता है उसका, गजब व्यू होता है। ये है हमारा महाराणा प्रताप सर्कल, और यहाँ से अंबाजी है 71 किलोमीटर ओनली, मतलब 1 घंटा मुश्किल से। लेकिन 1 घंटे की राइड हमेशा मज़ेदार होती है, बहुत टाइम बाद भी राइड कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि सारे लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे तो राइड बड़ी करने का और नए नए डेस्टिनेशन पे जाने का भी बहुत मज़ा आएगा। बाकी सामने का व्यू देखो, अभी गोप्रो में नज़र आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखे सामने का व्यू, क्या सुंदर लग रहा है। ये एक ऐसा व्यू है ना कि जहाँ पर एक अलग ही फीलिंग आती है कि कहीं पहाड़ों में राइड कर रहे हैं। वैसे है तो ये ग्राउंड ही, मतलब मुश्किल से सी लेवल से ये 700-800 मीटर होगा, लेकिन फिर भी अलग लेवल की फीलिंग होती है हमेशा।
जी ये आ चुका है हमारा रानी तालाब। कितना भरा हुआ है यार, रानी लेक है, क्वींस लेक, बहुत बढ़िया लगता है ये। वैसे समर में तो खाली हो जाता है जब सारे लोग अंदर पिकनिक मनाने चले जाते हैं, लेकिन अभी मानसून गया रिसेंट तो पानी देख लो कितना भरा हुआ है। बाकी सबकी लाइटें देख लो कितनी सुंदर लग रही है, ये जो हेजार्ड लाइट चलती है सबकी, बहुत मस्त लगती है जब लाइट चलती है तो। यहाँ पे अब लेंगे हम थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि हमारा एक राइडर पीछे जो रह गए थे किसी काम से गए थे, वो अभी थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। यहाँ से अंबाजी है 66, मतलब आप सोच लो कि हम 5 किलोमीटर आ गए हम आगे। और जो पोलो फॉरेस्ट बोलते हैं वो है 31। ज़्यादातर राइडर्स संडे को पोलो फॉरेस्ट जाते हैं क्योंकि जंगल है और ट्रैफिक से भी दूर रहना है, बाइक वाइक लेके मस्त जाओ, वहाँ पे मज़ा आता है। कार तो वहाँ पे वैसे भी अलाउड नहीं है पोलो में, तो ज़्यादातर राइडर वहाँ जाते हैं। नेक्स्ट राइड अब वहाँ की करेंगे, कोई भी मतलब कौन से डे की करेंगे वो पता नहीं, लेकिन जल्दी करेंगे। अभी लेते हैं एक ब्रेक। तो जी ब्रेक लेके जा रहे हैं अभी वापस, बाइक पे सारे बैठ गए, ये रहेगा पहला, वो रहेंगे दूसरे, हेमंत भाई तीसरे, और निश्चय रहेगा चौथा और मैं पांचवा। राइड का एक अलग मज़ा, अलग आनंद लेते हुए सारे राइडर्स जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि मैं तो कम से कम एक साल बाद राइड कर रहा हूँ। रिसेंट मैं लास्ट एक मंथ पहले गया था अहमदाबाद बाइक लेके, बस ऐसा था कि वो तो काम से गए थे, काम से आए थे, कोई राइड का मज़ा नहीं लिया था कि हाँ भाई रास्ते में कहीं खा रहे हैं, रास्ते में कहीं बैठ रहे हैं, मतलब जो रॉ फील होता है ना वो नहीं किया था। और रॉ फील करने का मज़ा जब 4-5 राइडर होते हैं तभी आता है, बहुत मज़ा आता है जब कहीं पर भी किसी को कुछ खाना है, कहीं पर कुछ देख लिया, कुछ देखने जा रहे हैं, कहीं पर कोई दर्शन कर रहे हैं मंदिर के, जब सारे लोग एक साथ होते हैं तो वो एक अलग फीलिंग होती है। अकेले में तो फिर ऐसा होता है कि रुकना ही नहीं है, बस चलते ही जाओ, कहीं पे भी निकले हैं तो बस निकले हैं, ये वाला हाल होता है। ये जो अहमदाबाद से अंबाजी वाला जो रूट है जिसमें ईडर पड़ता है, हम लोग अभी ईडर से निकले, लेकिन उस वाले रूट पर सुबह सुबह मॉर्निंग में ना पोहे और चाय मिलती है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पराठा मिल जाए या फिर कुछ ऐसी हैवी चीज़ मिल जाए, बस पोहा चाय और जैसे हल्की चीज़ें मिलती है कि वो जो यहाँ पे गुजरात में बोलते हैं पापड़ी, वो सारी चीज़ें मिलती है। बाकी असली खाने का मज़ा आता है जब जाते हैं अहमदाबाद से आगे सौराष्ट्र वाले रूट पे, वहाँ पे बहुत सारी ऐसे होटल्स बनी हुई है जहाँ पे पराठा है, दही है, फिर मक्खन है, ये सारी चीज़ें मिलती है, सुबह सुबह मज़ा आता है वो खाने का। तो अभी बस धीरे धीरे सारे राइडर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, अगर आप लोगों को भी राइडिंग का क्रेज़ है या कुछ भी है तो ज्वाइन ज़रूर करना। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप देख लेना, अपडेट्स आती रहती है। और आज बस राइड का मज़ा ले रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया सुबह निकलते वक्त कि अभी शरद पूर्णिमा गई थी, तो ऐसा था कि सारे राइडर्स अंबाजी जा ही रहे थे, सेपरेटली जा रहे थे, फैमिली के साथ जा रहा था कोई कार से, कोई बाइक से ऐसे, लेकिन फिर हमने सोचा कि काम करते ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं कि अगर जितने लोग अवेलेबल है उतने आ जाओ, अब राइड फिर से स्टार्ट करते हैं, कि भाई धीरे धीरे सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, 10-12 लोग, फिर कहीं पे दूर जाना होगा तो भी मज़ा आएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि इंडिया में वैसे तो ट्रैवल करना बहुत इजी है कि कहीं पे ट्रेन में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ, लेकिन वो फिर हो जाता है कि सोलो या कपल में ट्रैवलिंग हो जाता है, लेकिन जब बाइक वाइक लेके निकलते हैं तो पूरा ग्रुप में होता है, कि मतलब जो मैंने बताया ना रॉ फील की इतनी तकलीफ़ें होती है, इतनी छोटी छोटी तकलीफ़ें, इतना इरीटेशन और इतनी चीज़ें होती है, वो सब लेके जब जाते हैं और वापस आते हैं ना पूरा ट्रिप कंप्लीट करते तो बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट होती हैं। अकेले में तो क्या ही करेंगे फिर, वैसे तो हम बहुत सारा ट्रैवल कर ही लेते हैं, लेकिन ये फील एक बहुत अलग है, डिफरेंट फील है, काफ़ी डिफरेंट फील। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है सावरकांठा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, ये है ऑक्शन मार्केट एक्चुअली, यहाँ से सब्जी का ऑक्शन होता है, आसपास के गाँव की जो सब्जियाँ होती है वो सारी यहाँ पर आ जाती है और फिर उसका ऑक्शन होता है पूरा, तो फिर वहाँ से निकलती है, अब वो जाती है अहमदाबाद, फिर उसके बाद वडोदरा, सूरत, कहीं पे भी जाती है। फिर ये अभी 8-9 बजे निकल जाएगी वो यहाँ से, तो शाम होते होते हर जगह पे पहुँच जाएगी वो, और कल सुबह मिलेगी आपको ये वाली सब्ज़ी। नज़ारे देख लो कितने सुंदर हैं, दोनों तरफ एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी, और बीच में से मस्त बाइकें जा रही है अपनी, 5 बाइकें, एक अलग लेवल की फीलिंग है ये।
दोनों साइड मस्त ग्रीनरी है और इस रोड पे ज़्यादातर ग्रीनरी मिलेगी यहाँ से अभी 25 किलोमीटर तक। उसके बाद फिर धीरे 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 बंजर स्टार्ट होगा और वो बंजर रहेगा सीधा आबू रोड तक। अभी मानसून गया फिर भी बंजर तो वहाँ पे हो ही जाता है, इतने हरे भरे पहाड़ नहीं हैं, लेकिन ये वाला ग्रीनरी बहुत मस्त है। एक जब हम इधर निकले थे वहाँ पे थोड़े सूखे पहाड़ होते हैं, मतलब कह सकते हैं गंजे पहाड़, जो हम लद्दाख में जाते हैं और ये जो वर्ड यूज़ करते हैं गंजे पहाड़, वो गंजे पहाड़ है इधर में। पीछे से मुझे हेलमेट मार रही है, हेलमेट क्यों मार रही है? ये आया जी अभी खेड़रम्मा, जो कि इसको बोलते हैं खेड़रम्मा अंबाजी माता मंदिर। ये जो छोटे अंबाजी माता है यहाँ पे कहते हैं इनको, शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर को माना जाता है, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसका सिद्ध पीठ क्या कहते हैं इतना आइडिया नहीं पड़ रहा मुझे कि क्या कहते हैं, वो इस लोकेशन पे है। मतलब जो मंदिर होता है असली मेन मंदिर वो ये वाला है। और यहाँ पे अंबाजी का जो भादरवी पूनम होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। अभी हमारे राइडर्स कुछ बात कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, शायद इनका जो लास्ट में जो निश्चय है उसके फादर का क्लिनिक यहाँ पे है, तो वो कुछ बात हो रही होगी। हमारे गुजरात की एस टी बसें, GSRTC, यहाँ पे कॉलेजेस भी बहुत बड़ी बड़ी है। पहले चाय नाश्ता करने रुक गए थे, अभी सबको आ गई, सुबह सुबह आ गई सबको। इसको सुसु आई थी अभी, है ना? पकड़, सुसु आ गई थी निश्चय को। दो साइड पानी की बोतल लगा के आ गया है अभी हमारे प्रेरक भाई। लेट्स गो। बुलेट का साइलेंसर होता है उसका आवाज़ एकदम फाड़ू होता है, फाड़ू। उसे एवरेज भी कम मिलती है, माइलेज बहुत कम मिलती है और स्पीड भी नहीं मिलती। मैंने तो हटा रखा है अभी, पर होता ये है कि भाई मज़ा आता है, बुलेट तभी बुलेट लगती है जब उसकी आवाज़ होती है। ये देखो, ये देखो, अभी ये जो है वो साइलेंट एकदम। ये BS6 इंजन है शायद, इसलिए बहुत साइलेंट है। इसमें तो चेंजिंग का ऑप्शन भी नहीं है, जो नया बुलेट आया उसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं है शायद से, अब है कि नहीं वो इतना नहीं पता। वाइज़र ओपन करके बात कर रहा हूँ आपसे, तो शायद हो सकता है बात में करने में बात हुई कि नहीं वो समझ नहीं आ रहा, आवाज़ रिकॉर्ड हुई कि नहीं। पर ये है कि जो नई बुलेट है उसमें साइलेंसर चेंज करने का ऑप्शन भी बहुत कम है, तो कम लोग साइलेंसर चेंज करते हैं। बाकी अभी फटाफट चलते हैं, अभी अंबाजी रह गए 34 किलोमीटर ओनली। ये देखो जी, सनराइज़ भी हो गया है अभी, एकदम सूर्य देवता निकल चुके हैं। जब नहीं निकलते तो बहुत आराम से निकलते हैं, और निकलते हैं फट करके बाहर आ जाते हैं और गर्मी छोड़ देते हैं सब पे कि लो रखो गर्मी, ऐसा करके आ जाते हैं वो। और ये रोड्स है बहुत मज़ेदार है ये सारे रोड। इस रोड में ऐसा है कि बहुत सारे लूप्स हैं, कर्व्स बहुत ज़्यादा है और एक जैसे कर्व्स है, मतलब लूप में पूरा कि पहले राइट आया फिर लेफ्ट आया फिर राइट आया फिर लेफ्ट आया, वही चलता रहता है। लेकिन बाइक चलाने का बड़ा मज़ा आता है, ये रास्ता बहुत बढ़िया है। और जब भादरवी पूनम होती है तो इस रोड पे इस तरीके से बाइक नहीं चला सकते, क्योंकि इतना क्राउड होता है, मतलब लाखों में क्राउड होता है, लाखों में डेली लाखों लोग दर्शन करते हैं, और कितने लोग चल रहे होते हैं और क्या क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अंबाजी का महत्व भादरवी पूनम में तो कुछ और ही हो जाता है। ये देख लो गाइस, दोनों तरफ पानी है, पानी, और सामने बहुत सारे घर हैं। जो पहाड़ है उस पर इतने सारे घर हैं, लोग रहते हैं उन पहाड़ों में, पूरे के पूरे गांव बसे हुए हैं। कई सारे गांव ऐसे हैं जो पूरे के पूरे पहाड़ पे है। अभी दिखाता हूँ मैं, थोड़ा आगे जाएंगे तो आएगा। ये देखिए सामने ऊपर, और यहाँ पे आ गया वेलकम टू अंबाजी, अंबाजी 24 वेलकम टू। अभी बाकी है, बाकी सारे राइडर अपने मस्त जा रहे हैं।
फीलिंग के साथ जा रहा है। मतलब रॉयल एनफील्ड का असली मजा है धक 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 इंजन के साथ जाओ, और वो फीलिंग हर कोई ले रहा है। अभी आ गई यहाँ पे चढ़ाई, धीरे धीरे ये जो पहाड़ी एरिया वो स्टार्ट होता है, पता नहीं लगता कि हम पहाड़ पे आ गए क्योंकि रास्ते वैसे। ये देखो थोड़ा बाइक स्ट्रगल करती है ना तो पता चलता है कि हाँ भाई पहाड़ पे चढ़ गए। अब वापस धीरे नीचे उतरे, अब सारे रोड ऐसे ही आएंगे। यहाँ से जी अम्बाजी रह गए 4 किलोमीटर, और ये देख लो कितने सारे शॉन द शिप आ चुके हैं। शॉन द शिप किस किसने देखा? शॉन द शिप निकलोडियन पे आता था, मतलब अभी भी आता है कि नहीं वो पता नहीं, अब तो देखने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन बहुत बढ़िया हुआ करता था वो। और अभी एंटर हो रहे हैं हम लोग अम्बाजी में। अम्बाजी का ये मेन एंट्रेंस गेट है, 51 शक्तिपीठ दर्शन परिक्रमा गब्बर, और एंटर हो गए हम अम्बाजी धाम में। अलग लेवल की खुशी है, मतलब मैं पिछले एक साल में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका हूँ, लेकिन एक बाइक लेके आने की एक खुशी होती है, एक अचीवमेंट होता है, मज़ा आता है। ये चीज़ जब करते हैं ना बाइकर्स इकट्ठा होके, बस ऐसे ही सबका प्यार मिले, मज़ा आ जाए, एक ख्याल पूरा वो बदल सकता है माहौल। तो ये था कि सबको राइड पे तो जाना ही था, लेकिन किसी को ख्याल नहीं था, बस डाल दिया कि भाई अम्बाजी चल रहे हैं, और मस्त सब ने ज्वाइन कर लिया। ये क्या हो रहा है पैरों को, आगे वाले बाइकर्स पैरों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं नीचे झुका के। लो सफ़र शुरू हो गया, लो सफ़र अब ख़त्म भी हो जाएगा। सफ़र ख़त्म तो नहीं होगा, मतलब मंजिल आ जाएगी, फिर मंजिल से वापस दूसरी मंजिल की तरफ। यहाँ से माउंट आबू रह जाता है 25 किलोमीटर, मतलब आबू रोड 25, और वहाँ से आबू रोड 14, और वहाँ से नीचे से 24-25 और कुछ है, तो मतलब यहाँ से माउंट आबू रह जाता है 30-40 किलोमीटर के आसपास रह जाता होगा। तो माउंट आबू जा सकते हैं, मतलब लोग ऐसा ही करते हैं कि पहले अम्बाजी दर्शन करते हैं, फिर माउंट आबू घूम लेते हैं और नाइट स्टे कर लेते हैं आबू पे, या फिर आबू नाइट स्टे करके रिटर्न में अम्बाजी करके, ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी ये आबू रोड है तो ये मेन कनेक्टिविटी है, जब अहमदाबाद से राजस्थान आपको कनेक्ट करना है तो आबू रोड से ही कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन हम लोग सेंटर में रहते हैं तो हम अहमदाबाद जाए या आबू रोड जाए हमारा एक ही पड़ता है। बुलेट की तो आवाज़ ही बुलेट है, एकदम जब स्ट्रगल पे आती है ना तो एकदम प्यारी आवाज़ छोड़ती है, धग 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 धग। मतलब नॉर्मल चल रही है तो फीलिंग है, लेकिन फिर स्ट्रगल में और फीलिंग है उसकी। सुनो प्यार से सुना, ऐसे वाइज़र खोल के सुनाता हूँ मैं। बैरिकेटिंग, ताकि यहाँ पे है अम्बाजी पुलिस स्टेशन और बाजू में फायर सेफ्टी स्टेशन, और ये आ चुका है 51 शक्तिपीठ सर्कल, पूरा सर्कल है ये। और फिर वहाँ से राइट जाएंगे तो आबू रोड और अम्बाजी मंदिर आ जाएगा, गब्बर भी आ जाएगा जहाँ पे कहते हैं कि माता जी का दिल धड़कता है। ये जी आ गए हम अम्बाजी मंदिर के मेन मार्केट में, और बढ़िया एकदम मस्त फीलिंग है भाई, फीलिंग एक नंबर फीलिंग। सामने है मंदिर और गाड़ी अब यहीं कहीं लगानी है अपने को, ये वाला रास्ता है सामने जाने का। तो जी पहुंच चुके हैं अभी अम्बाजी, और गोप्रो से निकल के आ चुके हैं अपने कैमरे में। सामने ही मंदिर है, पार्किंग में गाड़ी लगा ली है, पे एंड पार्क है यहाँ पे, वहीं पे गाड़ी लगा दी है। बस जाएंगे अभी दर्शन करने, हेलमेट कुछ यहाँ पर रख देंगे लगेज रूम में, बाकी लगेज रख देंगे, मज़ा आने वाला है। जी यहाँ पे जूता घर, यहाँ पे लॉकर, सारा सामान रख दो उसके अंदर। अभी आ चुके हैं मंदिर से बाहर, सबसे पहले आ जाता है लगेज रूम जब मंदिर से आते हैं, ये वाला रास्ता है, और यहाँ पे जूते होते हैं, वहाँ से जूते ले लिए हमने, लगेज भी ले लिया अपना जैकेट वैकेट, और निकलते हैं अभी बाहर। सीहोर दी हो चुकी ले।
तो जी अच्छे खासे दर्शन हो गए हमारे, अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है तो बाहर ही रख के गए थे, लेकिन दर्शन बहुत बढ़िया हुए, बहुत मज़ा आया। मतलब इतने शांति से दर्शन तो कभी नहीं हुए आज तक, सब मन से उठ के आए थे, तो हो सकता है इस चीज़ की वजह से। तो जी अभी मार रहे हैं राम मार्केट में राउंड, और जैकेट पहन के ही घूम रहे, तो सब कह रहे हैं वो राइडर वाले भैया कुछ खा लो कुछ खा लो। बढ़िया है, माहौल बहुत सही है यहाँ पर। यहाँ पर चल रहा है शॉपिंग और बाकी सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। कैसा लगा भाई ट्रिप, कैसा लगा? आधा ट्रिप हुआ अभी, आधा कैसा लगा? हाँ अभी आए हम लोग चटकास, ये देखो आ चुके हमारी आइसक्रीम, बाकी सब ने कुछ ना कुछ मंगाया, बाकी सब ने चेक। यहाँ पे आ चुका है अभी हमारा वड़ा पाव निश्चय भाई का। आपका कुछ नहीं, सिर्फ आइसक्रीम। मस्त घूम घाम के आ चुके हैं, अभी सारे राइडर्स का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। हम भी रेडी है, हमारा हेलमेट भी रेडी है, गोप्रो भी रेडी है, बस जल्दी से सारे लोग आ जाए फिर निकलते हैं अपनी रिटर्न राइड के लिए। राइड रिटर्न होगी हमारी, ये देखो इसका तो व्रत है आज, आज करवा चौथ उसका व्रत है, और फिर भी ये राइड पर आई एक बहुत बड़ी बात है। तो जी आ चुके हैं सारे राइडर्स, अभी सबको मुंडी हिलाते हैं। देखो हेलो गाइस, हेलो हेलो हाय, सफाई कर लो भाई कैमरे की सफाई। अभी निकलता है बाहर, आ जाओ मंदिर के सामने ही पार्किंग है, ये रहा मंदिर का गेट, ये पूरा ही पार्किंग पार्किंग है भाई साहब, फुल हो जाता है ये पार्किंग भी। टू व्हीलर तो निकल जाए वो भी बहुत है। ये देख लो जी आ चुके हैं बाहर, अब ऑक्सीजन मिला, इतनी देर से मिल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब परेशान हो गए थे भाई साहब। मंदिर कितनी देर मंदिर भाई, मंदिर पूछ रहा है मंदिर जाए कितनी देर मंदिर, मस्त 2 घंटे स्पेंड करे हैं मंदिर में आज, बढ़िया दर्शन कराते हैं आपके, बढ़िया दर्शन। आ रहे सारे राइडर्स धीरे 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 मंदिर को करते हैं बाय बाय, जय शक्ति द्वार। अभी आ जाए, सारे लोग वेट कर रहे हैं यार, वेट कर रहे हैं, कहाँ रह गए, कहाँ रह गए भाई साहब, आए 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 आए, कुछ लोग आए कुछ लोग रह गए। आ गए, एक बंदा तो आ गया है, बाकी के कहाँ रह गए। आ गए सारे लोग, आ गए अपना, चलो अपना गैंग बन गया वापस, बढ़िया गैंग बन गया एकदम, बाइकर्स गैंग मस्त रहता है। ये शिकंजी विकंजी भी मिल रही है, मतलब अभी तो कुछ खाने का मन नहीं है ऐसे, तो बहुत कुछ खा पी लिया, बस बाहर जाएंगे अभी तो, रास्ते में देखते हैं। 70 किलोमीटर में तो क्या ही खाएंगे, लेकिन देखते हैं अगर किसी का मन हो गया कोई फ़ोटो वोटो खिंचाना है कहीं पे रुक गए तो कुछ कर लेंगे भाई। अभी लेना पड़ेगा लेफ्ट, लेफ्ट लेके जाएंगे हम स्ट्रेट। सुबह यहाँ पर मैं आपको ये सर्कल नहीं दिखा पाया था, एक सर्कल नहीं दिखा पाया था मैं आपको सुबह, जो कि है शक्तिपीठ सर्कल, ये रहा शक्तिपीठ सर्कल। अब गर्मी भी बढ़ रही है तो फटाफट चलेंगे घर। शक्तिपीठ अम्बा जी को करते हैं बाय बाय,
और अभी सामने जो मंदिर दिख रहा है एक छोटा सा ये वाले हिस्से पे, वो है कामाक्षी देवी का मंदिर। अभी चलेगी थोड़ी बहुत फोटोग्राफी, मज़ा आने वाला है। इतनी सारी भेड़ बकरी आ गई, देखो हम इसके चक्कर में स्लो हो गए। अभी रुके हैं हम सबके रिव्यू लेने के लिए। कैसा लगा आपको? है? कैसा लगा? बढ़िया, बहुत मज़ा आई। आपको कैसा लगा? मज़ा आया। तो हम आपको कैसा लगा? मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मस्त वीडियो बनाए अपने, लेकिन GoPro अभी हैंग हो गया था। परेशान नहीं है GoPro में, जब लगा दिया है GoPro, चलते हैं सारे राइडर्स तो जी GoPro ने परेशान कर रखा है, कभी हैंग हो जाता है तो कभी एकदम वीडियो चलते चलते बंद हो जाती है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। 3 बार मेरे को रुकना पड़ा है इसके चक्कर में, पर कोई ना, अभी मज़ा आ रहा है। एक बार स्टार्ट हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं होती, बस कभी कभी इतना परेशान कर देता है कि पूछो मत, ये हाल हो जाता है। रंजन रंजन सारे लोग खड़े रह गए, अगर GoPro रुक गया इसके चक्कर में मैं रुक गया, सारे लोग खड़े रह गए बस। ये भी एक भाईचारा है, पर GoPro तो साला परेशान कर देता है यार, क्या हो सकता है। इसका कुछ जुगाड़ हो तो दोस्तों बताओ यार, कि GoPro इतना हैंग होता है, इसका क्या एक ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन है क्या? मतलब कोई भी GoPro ले लो, ये है हीरो 8 ब्लैक है, 9 ब्लैक में भी वही प्रॉब्लम है। सब में हैंग का प्रॉब्लम तो किसी ना किसी में है ही, किसी ना किसी रीज़न से। कभी मेमोरी कार्ड का प्रॉब्लम होता है, तो कभी बैटरी का इशू हो जाता है, बैटरी निकाल के वापस लगाओ फिर वापस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत इशू एक बार में तो आता ही आता है। कोई अल्टरनेटिव हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि इसके अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं। GoPro तो है ही, GoPro तो बेस्ट है। मतलब एक्शन कैमरा अगर हेलमेट पर लगा के चलना है हैंड्स फ्री एकदम, तो GoPro बेस्ट है। लेकिन इसका कोई तो और ऑप्शन होगा कि हाँ भाई GoPro के अलावा भी आप ये कंपनी का कुछ ये यूज़ करो, और ज़्यादा अच्छा है, जिसका माइक वाइक भी बहुत बेटर हो, देना देना एक ऑप्शन देना बढ़िया वाला। बाकी तो राइड का फुल मज़ा ले रहे हैं सारे लोग, मस्त आ रहे हैं। देखो मिरर में दिख रहा होगा पीछे येल्लो कलर की जो थंडरबर्ड है, ये तो मीटियोर है, बहुत बढ़िया लगती है, मज़ा आता है उसको देख के। ऐसा फील होता है कि हाँ भाई कोई अच्छी सी बाइक जा रही है। रॉयल एनफील्ड एक चीज़ अच्छी है कि उसके जो लुक है एकदम चौड़े चौड़े लुक बनाता है, बढ़िया एकदम। फिर से वही पानी वाली रिवर जो सुबह मैंने बताया था कि दोनों तरफ पानी पानी है, ये देख लो दिख रहा है कि नहीं आपको। अभी यहाँ से रहेगा इधर 50 किलोमीटर, खैरोज पुलिस स्टेशन, और यहाँ से इधर रहेगा 50 किलोमीटर। यहाँ पर भी लिखा है और ऊपर भी लिखा है, देख लो। यह है खैरोज, यहाँ से राजस्थान बॉर्डर कम से कम 20-22 किलोमीटर में राजस्थान बॉर्डर आ जाती है। अगर लेफ्ट साइड चले जाते हैं यहाँ से तो 22 किलोमीटर के आसपास शायद आ जाती है वो, मतलब राजस्थान इतना पास में है यहाँ से। बाकी अंबाजी से तो है ही 25-30 किलोमीटर में, 25-30 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो। देखो कहाँ पर आके खड़ा रह गए वो, क्या कर सकते हैं।
ऐसे लोग तो आते जाते रहेंगे, पर अपने जीवन में राइड चलती रहनी चाहिए। बस संभाल के चलो, सेफली चलो, वही एक उद्देश्य होता है हर राइड का। क्योंकि रोड ऐसे है इंडिया के, किसी भी रोड पे चले जाओ आपको भेड़ बकरियाँ दिख जाएगी, जैसे ही दिख रही है छोटी मोटी बाइकें दिख जाएगी जो इधर से इधर पास हो रही है। और जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कहीं पे बोलेरो चलती है, कहीं पे बोलेरो चलती है तो कहीं पे ये देखो सीधा ड्रैग रेस पे आ गया ये मेरे साथ। मैं इस मूड में नहीं हूँ कि रेस करूँ, और रेस हम करते भी नहीं हैं, मतलब वो रेसर वाला सीन नहीं है कि हाँ भाई हम बाइक के फास्ट चलाते हैं या फिर बहुत मज़ा वो करते हैं वो करते हैं, ऐसा वाला कोई सीन नहीं। इतना तेज़ जाने का क्या फ़ायदा भाई, जब साथ में आए तो साथ में चलेंगे ना। मेरे को पसंद नहीं है कि भाई अकेला बंदा घर चला जाए फटाफट फटाफट पहुँचना, वो मेरा वो नहीं रहता। साथ में आया साथ में चलो, जहाँ आया वहीं का मज़ा लो कि हाँ भाई घर पे ऑफिस का ऑफिस चले जाना है या घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, बराबर है सबके घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप सेफली पहुँचोगे तो सही रहता है, मतलब सारी चीज़ें बराबर चलती है। फिर मतलब आप अकेले अकेले भागे जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, वो फिर आने का ही जोश होता है, फिर जाने का तो फिर वो होता है सुरसुर सा हो जाता है एकदम। मैंने आज पूरा जू देख लिया रोड पे, कैमल भी चल रहे हैं, कैमल चलो चलते हैं क्योंकि वो कार्ट खींचते हुए जाते हैं कभी कभी, और एक ऐसा ज़रिया है कैमल की जो लोकल सस्ता ट्रांसपोर्टेशन में काउंट होता है। लेकिन भेड़ बकरी भी चल रही है, भैंसे भी चल रही है, लोग अपनी क्या क्या चीज़ें लेके बाहर चल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। मतलब रोड किस लिए बने हैं, किस ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ से बने हैं वही समझ नहीं आ रहा। अभी आ गए हम लोग खेड़ड्रम्मा, और यहाँ पर देखो क्राउड अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। खेड़ड्रम्मा आने में मतलब 10 किलोमीटर रह गए, पर ये है कि उसके पहले का गांव है ये, और यहाँ पे क्राउड अच्छा खासा है भाई। इको इको है, मतलब मारुति सुजुकी को ना। चाचा जी कहाँ पे आए, देखा तो जी देख लो, बात हो रही थी और आ गई यही गाय भैंस सारी चीज़ें वापस। भाई साहब कितनी गाय भैंस है, कितनी गाय भैंस है। भाई साहब कौन सा मॉन्स्टर जा रहा है ये, देखा आपने मॉन्स्टर, खतरनाक मॉन्स्टर था वो, इतने बड़े बड़े टायर भाई साहब। लव सेफ्टी मैरी रोल्स डिवोर्स स्पीड गुजरात सरकार, बहुत बढ़िया लिखा है भाई यहाँ पे। यहाँ पे स्कूल्स भी है बहुत सारी इस रोड पे, खेड़ड्रम्मा पहुँचने हैं हम ऑलमोस्ट, तो स्कूल वगैरह है तो थोड़ा स्लो ही चलना पड़ता है। अभी आया है जी खेड़ड्रम्मा, जिस मंदिर को सुबह दर्शन करके गए थे बाहर से ही, खेड़ड्रम्मा वाली माँ। बुलेट 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 हो गई, वहाँ पे भी देख रहे हैं लोग इको में बैठे हुए, इतनी इको है ना भाई साहब यहाँ पे, इतनी इको। कि समझ नहीं आ रहा कि इतनी इको आई कहाँ से है, कंपनी इतनी मतलब बनाती भी है। Thank you.
बाय बाय प्रेरक भाई, बाय 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 बाय। तो जी अभी हमने रुक के फ़ोटो वोटो एक्सचेंज कर लिए फ़ोन से, क्योंकि एयर ड्रॉप हो जाता है तो इजी रहता है, फिर वो व्हाट्सएप पे तो क्लैरिटी चली जाती है। अपना पहाड़ देखो, पहाड़ पहाड़ के नज़ारे और सामने अपना रानी लेक, ये है अपना इडर भाई। असली मज़ा यहाँ आता है, कहीं पे भी चले जाओ। ऑक्सीजन जो होती है ना, जो सांस आती है, हमें तो सांस ही अपने इडर में आती है, वो वाला सीन है। हमें तो सांस ही इडर में आती है, बहुत ही बढ़िया। ये देखो सामने व्यू देखो भाई, ये देखो हमसे आगे आ गया था निश्चय, और अभी यहाँ पे खड़े खड़े वेट कर रहे हैं। बाय बाय। हाँ मोगली देश, चलो भाई। हाँ हाँ, सुबह राइड जहाँ से स्टार्ट करी थी, तिरंगा सर्कल, वहाँ पे आ गए वापस। तिरंगा सर्कल पे तिरंगा लहरा नहीं रहा क्योंकि हवा नहीं चल रही, बाकी तिरंगा लहराता है, बहुत सुंदर लगता है। कहीं पे भी तिरंगा लहराता है मुझे बहुत सुंदर लगता है वो, क्योंकि अपना तिरंगा तो लहराना ही चाहिए भाई। और देखो जी ये आ चुका तिरंगा सर्कल, सामने सामने से ही फ्यूल डलवाया था सुबह, और अभी जाएंगे राइट लेके अपने घर। यहाँ से सारे राइडर्स हो गए अलग अलग। तो जी इसी के साथ आ चुके हैं वापस। आई होप आज की राइड में आपको भी मज़ा आया होगा, हमें तो बहुत मज़ा आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको भी राइड करनी है तो हमें जल्दी से ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे अपडेट आती रहती है। अपडेट हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं, ब्लॉग बाद में आता है, इसलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ज़रूरी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय अंबे।